जरा बाहर देख, कितना सुंदर लड़का अंदर आ रहा है। उसे देखकर तो करारी मत बन जा, तुझे देखकर भाग जाएगा। वो मेरी जैसी किसी चटपटी से मिलने आ रहा है, पता नहीं किसी और को ना लाइन मारने लगे। सही में भाई। सुरो ने दिल के तार झड़ दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, और मत गाना वरना वो और रोने लगेगा। ढक ढिकिंग ढक ढिक। मेरा गाना सुनकर टॉयलेट में क्यों आ गए? क्या मेरे गाने से प्रेशर बन गया? सच में ऐसा प्रेशर कभी फील नहीं हुआ। मुंह क्यों लटका हुआ है? चुलबुल पांडे की बेटी बुलबुल पांडे की वजह से। लगन था हमारा संडे, दिल पर मारे डंडे, लुट गया भटिंडे। नाम बता रहे हो भटिंडे, लेकिन शक्ल बनाई है टिंडे जैसी। बुलबुल पांडे गई तो क्या, तुम मेरी तरफ देखो ना। उसकी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे जैसे मुश्तंडे को छोड़ दिया। तेरे नाम जैसे बाल, दंगल वाली मूछ और ये चितकबरी टी शर्ट को तो देखो। मेरा नाम है दिव्या कोंडा। दादाजी ने रखा था, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? मैं अगर भाई भटिंडे बाटली वाला पारसी हूँ ना, वैसा मेरा बाटली का कोई डंडा नहीं है। कब तक प्रेशर हल्का करते रहोगे? आप उठ भी जाओ। मन हल्का करने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है डिग्री। तुम ऐसे मुंह फेर कर क्यों खड़े हो? क्योंकि तुम बिल्कुल बुलबुल पांडे की जेरोक्स कॉपी हो। ठीक है, तुम मुझे बुलबुल बुलाना और मैं तुम्हें बाटली का ढक्कन। गालों की नस दब गई। ये है मेरा नंबर, बुलबुल के नंबर को डिलीट कर दो, ईरानी होटल में मिलेंगे। मुझे गुटली मत देना। हाँ आओगे ना? मैं हाँ समझ लूँ। हम आएंगे। मेरी कसम खाओ। गुड प्रॉमिस। तुम और नजदीक आओगी तो दूर जाने का मन नहीं करेगा। किसने मारा इसे? कल ऑफिस में कौन कौन आया था? कल पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू था सर, जिसके लिए 100 से भी ज्यादा लोग आए थे। जरा एप्लीकेशन निकालो तो। जी ये लीजिए। एक महीने पुराना एप्लीकेशन और ग्लू अभी तक नहीं सूखा। इंटरेस्टिंग। कौन है ये? सिलेक्टेड कैंडिडेट है सर। बुलाओ उसे। ओके। किसका बज रहा है ये? थैंक यू। फोन उठाए थे, मैंने कान पे लगा। नहीं, नहीं, उठाना मत। कट हो गया। स्विच ऑफ कर। फिर से फोन लगा। स्विच ऑफ होगा। अपन को ये झोलर लगता है जी, इस पे नजर रखना। ओके सर। 24 घंटे 365 दिन। दो कॉफी, गाय के प्योर दूध में बिना शक्कर की। मैं तुम्हारी तरह डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। डब्बे में जितनी शक्कर हो सारी डाल देना और ले आना, ठीक है? और आपके लिए? मीठी मैडम ने मीठे तरीके से समझा दिया ना, मेरे लिए भी वही लेकर आ। तुम्हारी बुलबुल तुम्हें क्यों छोड़ के गई? मुझको जिगजैग नाम की बीमारी है। क्या? तुरई की तरह टेढ़ी चीजों को मैं गाजर की तरह सीधा कर देता हूँ। टेढ़ा है तो तेरा है। एक बार बेकरार बुलबुल के बेकाबू बदन में भावनाओं के बुलबुले बिलबिलाने लगे। एक हाथ से मेरा फेस पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरे केस में उंगलियां डालकर मुझे झुका डाला। उसे झुका हुआ देखकर मेरी टेढ़ी नियत सीधी हो गई। नो किचिंग। मतलब गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। हाय दिव्या। कम कम। आई एम फाइन। बैठो बैठो।
ये है अगाबाई भटिंडी पाटली वाला। जानते हो इन्हें जिगजैग नाम की एक बीमारी है। ये हर टेढ़ी चीज को सीधा कर देते हैं और इसी वजह से इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़कर चली गई, क्योंकि ये उन्हें किसी नहीं कर पाते थे। हाउ सैड ना। सिर्फ बनियान पहनकर आ गई, ऊपर शर्ट की नहीं पहनी। हेलो कॉफी नती आवी गेल सपो आवी गयो छे। इनकी जिंदगी तो जिगजैग की। आपको चार बंगड़ी वाली ऑडी हटानी होगी। नो पार्किंग में थोड़ी है, इंश्योरेंस भी भरा है, तो काय को हटाऊं। यहाँ एक पागल भिखारन घूमती है, चारों बंगड़ियां पहन के भाग जाएगी। क्या सच में भाग जाएगी? फुल स्पीड में। दिव्या गुरु, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया, हाथ बांधकर किस किया, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और इल्जाम लगाया कि मैंने उसकी इज्जत पर डाका डाला, 10 लाख का जुर्माना भरा, खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ 2 पप्पी के लिए। मुझे उस बुलबुल के पास ले चलो, एक झटके में तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगी। वो रहा रोहित। क्या हुआ? दस लाख नहीं दूंगा। मम्मी बचाओ, मारी गई। ये कैसे हुआ? क्या चाहिए? पैसा देने? नहीं दूंगा। डर लग रहा है बेबी। क्या चाहिए? रोकड़ी कर, अगले महीने देता हूँ। दिन बोल, मेरे शनि पर राहु ने छप्पर तान लिया है, अगले शनिवार जरूर दे दूंगा। डॉक्टर की फीस काट कर देगा, चलेगा, अब से ये मेरी है। हाँ हमारी नजर 24 घंटे अगाभाई भटिंडे बाटली वाला पर लगी हुई है, लेकिन अभी तक हमें उसके घर का एड्रेस भी नहीं मिला है। हमें जल्द से जल्द भटिंडे बाटली वाला का एड्रेस निकालना होगा, वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम सब लोग रंजीत के लिए काम करते हैं, इसकी भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो किसी तरह उसे काम से निकलवा दो। मैं जितनी जल्दी किसी को काम पर लगाता हूँ उतनी जल्दी उसका काम बजा के उसे निकाल देता हूँ। कब निकालेगा? बस 24 घंटे का टाइम दो, उसे बाहर जाने का रास्ता। पानी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही हरा भरा ऑफिस है। जल्दी आओ, अंदर कैसे आया? किसी का कार्ड मिल गया था, उसी से आ गया। इतना तामझाम क्यों? सीधा पासवर्ड हैक कर लो ना। बाबूराव, तुम मुझको क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ रहे हो? दूंगा कौन के नीचे लगा के। हम है ना कि कंप्यूटर की जगह अपना रख देंगे, अपना काम तो हो जाएगा बेड़ू। फिर है ना अपने केबिन में आएगा, टकाटक पासवर्ड टाइप करेगा और हमें पता चल जाएगा। क्या हुआ सर? ये कंप्यूटर में देखना क्या घोटाला हुआ है। मैं ट्राई करता हूँ ना सर। हाँ, तू तो बिल गेट्स का दामाद है ना। ए चाटे, अभी तो उसका मगज मत चाट, करने दे उसका काम उसको। हम एक काम कर बे बाबूराव, एना भाई का कंप्यूटर हम वहां से निकालेंगे और अपना कंप्यूटर फिट कर देंगे। हाँ खूब भालो तरीको छे बाबूराव। साहब जी। वाह बकुड़ा, तू तो बड़ा कारीगर निकला। घनी खम्मा, एक बार वो कंप्यूटर मेरे हाथ लग जाए। सर इसमें से वायरस का कीड़ा में निकाल चल डाल सबको। फिर 64 GB का ये नन्नू सा पेन ड्राइव कंप्यूटर में मैं घोप डालूंगा, उसका सारा डेटा मैं जूस की तरह चूस लूंगा। ऐसा चूसतास्तिक आइडिया तो तुम जैसा कोई चतुर और चालाक ही सोच सकता है मेरे भाई। अच्छा बेटा बंटी, 4:30 बजे मेरी घंटी बज जाती है, नींद के झोंके आने लगते हैं ऑफिस में। चीनी मिट्टी के कप में 4 चम्मच चीनी के मिलाकर हमका गर्मा गर्म कॉफी पिला दे बबुआ। चूरन सर को कॉफी दे। भटिंडे। अरे वैशु, वो डने जाट कर टोटो। आयो चेक मिल गया? यस। फुल अमाउंट? विद इंटरेस्ट। गणो शुट्ठो। इन पैसों से अपने लिए शर्ट ले लेना। तुमने उसे मारा क्यों था? कभी कभी मारने से ही काम बनता है। मुझसे कुछ चाहिए? मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ पीने चलोगे। श्योर, इन आंखों के जाम पीकर मैं टल्ली हो जाऊंगा। उसके बाद ऑफिस टाइम में असली काम करने के बजाय तुम दोनों काम वासना के ख्यालों में खोए हो। सर जी, मैनेजर के सामने ऐसे बैठे हो, मैनर्स नहीं है। सर मिस्टेक झाली, माफ कर दो मने। बाटली के पूछ,
मुझे नीचा दिखाना चाहता है, हील्स वाले शूज पहनकर। नहीं 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 सर, मैं निकाल देता हूं। शर्ट इन करके मुझे जताना चाहता है कि मेरी तोंद है और इसे इंप्रेस कर रहा है, रोमियो बन रहा है। गलती हो गई, माफ कर दो सर। चाटे क्यों इसकी क्लास देता है, तेरी समस्या क्या है? आज ये मेरी समस्या है, कल ये पूरे ऑफिस की समस्या बन जाएगा। सर आप ऑफिस में डिसिप्लिन रखते हैं ना? हां रखता हूं। आगे बको। ये देखिए इसने शूज नहीं पहने। सर पांव में मुझे वो। चुप रहे वरना शूज की लेस से तेरा मुंह सिल दूंगा। कीप क्वाइट। और तो और इसकी शर्ट भी बाहर है, टाई तो पूछे ही मत। बकरी को भांग क्या है? सर ऑफिस में ऐसे आता है जैसे चौपाटी पर भेलपुरी खाने आया हो। तुम ऐसे रोमियो बन के ऑफिस में क्यों आते हो? बोल ले। इसकी बोलती पे ताला लग गया सर। शूज पहनकर मैं आपसे 4 इंच लंबा दिखूंगा, इसलिए मैंने शूज को उतार कर फेंक दिया। आप नारियल का पेड़ है तो मैं लटकता हुआ छोटा पपीता। मिस्टर चाटे आप चाहते हैं कि मैं इनका मालिक लगूं और ये मेरे नौकर लगे? नहीं नो नो, मैं बोल गया। शायद जी पैंट से शर्ट इसलिए बाहर है ताकि दिमाग काम के अंदर रहे। पिछले 2 हफ्ते से मैं घर नहीं गया हूँ, 2 हफ्ते से। फिर भी मुझे आपसे 1 रुपए का ओवरटाइम नहीं चाहिए। आप चाहिए तो मेरा ग्रेच्युटी मत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी मुझसे मिले आपका कद ऊंचा ही हो। मुझे लंबा नहीं होना है। रिलैक्स बेबी। इतने सालों बाद आंखें गिली हैं। कोई प्यास काटा क्या? मुतिलान पर कीर्ति महान। मेरी बीवी भांजे, मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे ऐसा बेटा क्यों नहीं मिला। भगवान साक्षी आप इसे गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं? भाड़े पहले लेते हैं। तेरा 12 महीने का भाड़ा कितना? बोलना भाई। 2 लाख। हाँ दिया, चल मजा कर। और बोल। 2 लाख। 2 लाख। अरे 99 इयर्स की लीज बना के साइन ले ले जल्दी। सर इसमें क्या 2 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हो? ये 2 टके का आदमी नहीं है। ए भाई अभी छोड़ दे उसको, छोड़ दे। सीधी खड़ी हो जा। क्या हुआ? एक्चुअली सर मैं इस तरह आपके गले नहीं लग सकता ना। लग सकता है? नहीं। आज ना के भी आया? नहीं, इनके गले लगकर ही हम खुश है सर जी। अच्छी बात है, आगे से मैं इसके कपड़े पहन के केबिन में खड़ा हो जाऊंगा, तू मेरे गले लग जाना, तेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है ना? हाँ, हाँ। बिल्कुल। अभी चलो थोड़ी बात करनी है। चाटे तो भैया की चाट खा के। जैसे बिना फ्रिज के आइसक्रीम नहीं जमती है, वैसे ही तुम दोनों में नहीं जमती है। ये घूस की दीमक चाटे को चाट रही है सर। प्यून के जॉब के लिए भी चाटे का रेट है 5 लाख रुपए की घूस। हाउसकीपिंग वाली के हाउस में घुसकर घूस लेता है, लिफ्ट वाले से और कैंटीन वाले से भी घूस। एक दिन इसी तरह घूस लेकर आपको घुसा देगा सर। देखो टिंडे, मेरा मतलब भटिंडे, तुम बहुत सीरियस इल्जाम लगा रहे हो। अगर ये प्रूव नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है, अन्यथा तू रास्ता पर आ भी जाइश। 10 लाख का कैश और मुझे खाली सूटकेस दीजिए। कल सुबह तक मैं ये साबित कर दूंगा कि चाटे थूक के चाटने वाला करप्ट इंसान है। बेबी कैसन हो चाटे साहब? कड़क नोट है। कितने? 10 लाख उमा 90 लाख, कुल मिलाकर 1 करोड़। इसलिए कल बड़ी कुर्सी के लिए इंटरव्यू है ना, 25 अनपढ़ गवार को जॉब देनी है, 1 का 4 लाख देंगे। अरे मुझे इतना हिसाब तो आता है। एक मिनट जरा चेक कर लेता हूँ, कहीं तूने कोई कैमरा तो नहीं छुपा है? कपड़े उतारू, चेक करेगा और भी कुछ चेक हो जाएगा। हाँ अब बोल। चाटे मेरा कमीशन मत चट कर जाना। ओके अब ऐसे कहाँ ले जा रहा है? बड़ी का चाटेगा, छोटी का बांटेगा, नीचे वाले को खुश रखेगा, तभी तो ऊपर तक बात नहीं जाएगी। पॉइंट है गांडा। आ देवा, इतने पैसे में तो मैं अमेरिका जाके सैंडविच मसाज कराऊंगा। ये डंडा किसका है? मुझे छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे फंसाया जा रहा है। सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने आपका नमक शक्कर गुड़ सब खाया है, यहाँ तक कि गन्ना भी चूसा है। पुलिस बाबू, हमारी माँ जब ब्याह कर आई थी ना तो यही सूटकेस लाई थी, इसमें हम कुछ नहीं रखते, ये प्योर चांदी का है ना। मतलब सूटकेस में कुछ नहीं है? दिख रहा ये तो चीटिंग है, इसने चांदी के सूटकेस से चाटे को चटनी चटाई, मतलब धूल चटाई। मैं कोई चोर नहीं हूँ। अगर तेरे आम के बागीचे से मैंने चूसी हुई गुठली भी चुराई तो मैं चोरीच कहलाऊंगा ना। लाई जवाने। चाटे क्यों हिल रहे हैं? सर सर मुझे बचाइए ना, ये लोग मुझे ससुराल ले जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तो जमाई की जम के खातिरदारी होगी, है कि नहीं? जा 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 जल्दी जा। सर जवाई राजा का वहाँ बच जाएगा बाजा। इसे जेल में डाल के मोटा ताला लगाना, बटली ताल देना, चली रोटी के साथ चल ओला में बैठा तुड़वाना। भटिंडे बाटली वाले को सबको बाटली में उतारना आता है। नौकरी चाहे 2000 की हो, ईमानदारी 2000 करोड़ की होनी चाहिए। बेईमानों गद्दारों की लगाम कसना मैं जानता हूँ।